वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल आरजू टेक्निकल। तो गाइस आप सभी के लिए ईद स्पेशल फ़ोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। आज मैं कुछ इस तरीके का कमाल का फ़ोटो एडिटिंग ईद स्पेशल करने वाला हूँ, वो भी पिक्से प्रो एंड लाइटरूम और ऑटोडेस्क स्केचबुक से। तो काफ़ी आज का वीडियो कमाल का होने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी इस तरीके का ईद कॉन्सेप्ट का फ़ोटो एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकें। और जितना भी मैं बैकग्राउंड एंड PNG यूज़ करूँगा सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से पोज मारकर फ़ोटो को क्लिक करा ले गया। हमने इस फ़ोटो को पोर्ट्रेट मोड में क्लिक किया हुआ है, आप भी कुछ इस तरीके का पोज देकर फ़ोटो को क्लिक करा लेगा। तो इस फ़ोटो को सबसे पहले हम यहाँ से शेयर ऑप्शन में क्लिक कर यहाँ से पिक्से प्रो एप्लीकेशन में शेयर करते हैं। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करेगा। पिक्से प्रो में शेयर करने के बाद इसके साइज़ को मैक्सिमम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एडजस्ट वाले ऑप्शन में चले आना है और इसके पेंट एंड मार्क्स वाले ऑप्शन को इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इरेजर मिल जाएगा, इरेजर टूल पे क्लिक करके अपने हिसाब से इरेजर का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसे हम जहाँ हमको इरेज करना है तो पूरे बैकग्राउंड में से ये रेड मार्क्स को हटा देना एंड बॉडी के ऊपर रेड मार्क्स को रहने देना, जिससे हमारी PNG क्रिएट हो जाएगी काफ़ी फुल HD में, इसकी क्वालिटी थोड़ा सा भी लॉस नहीं होगी। तो फटाफट इसे हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से PNG बना लिया अपने पिक को। अब यहाँ से शेयर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में यहाँ से आकर इसे सेव कर लेना है, सेव टू गैलरी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से फिर से हम बैक चले आते हैं एंड यहाँ पे गैलरी को ओपन कर लेते हैं। गैलरी में ओपन करने के बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेगा। फिर इसे पिक्से प्रो में शेयर कर लेते हैं, इसको नॉर्मल वाले ऑप्शन को क्लिक करके एडजस्ट में चले आना है, इसके रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज में हम यहाँ पर 2000 इसको रख लेते हैं, 2000 रखने के बाद क्यूब फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको एडजस्ट में दोबारा चले आना है, इसे क्रॉप कर लेना है थोड़ा सा बैकग्राउंड को, जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से क्रॉप कर डन कर लेते हैं एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले आना है। इंसर्ट पिक्सर पर क्लिक करना है और जो हमने PNG बनाया उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी PNG आ चुकी है और इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके अपने हिसाब से इसे बैठा लेते हैं। तो इतना पे हम बैठा लेते हैं और इसे यहाँ से डन कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले आना है एंड इंसर्ट पिक्चर में और यहाँ से बारी बारी से सारे PNG को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस PNG को ऐड कर ईद मुबारक वाले PNG को यहाँ से ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर ऊपर लगा लेते हैं और यहाँ से इसे डन कर लेते हैं। फिर से हमें इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले आना है एंड पिजन के PNG को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से पिजन के PNG को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से, सभी PNG का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, फिर वहाँ पे हम कलर ग्रेडिंग कर लेंगे। तो यहाँ से फटाफट Lightroom वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करके उसे शेयर कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने इस पिक को Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन में शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से ऑटो पे क्लिक कर देना, ऑटो पे क्लिक करने के बाद ये अपने आप जितनी भी हाईलाइट एंड सैचुरेशन होगा इसे एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में आकर इसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं और सिंपली दोस्तों टेम्परेचर वाले ऑप्शन पर आकर टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेते हैं एंड मिक्स टूल पर आकर इसे सैचुरेशन को इंक्रीज एंड ह्यू को माइनस एंड ऑरेंज टोन को लुमिनेंस को इंक्रीज एंड सैचुरेशन को माइनस कर लेते हैं और येलो टोन को हल्का सा माइनस कर लेते हैं और ग्रीन टोन को इंक्रीज और ब्लू को माइनस और ब्लू टोन को फुल माइनस कर लेते हैं, डन कर लेते हैं। ग्रीडिंग वाले ऑप्शन में फर्स्ट टोन को यहाँ पे येलो पे रख लेते हैं एंड सेकेंड टोन को यहाँ पे आकर हाईलाइट पे क्लिक करना है और इसके ह्यू को इंक्रीज करना है और यहाँ पे सैचुरेशन को बढ़ा लेना है। ह्यू को हम यहाँ पे ग्रीन टोन के पास हल्का सा रख लेते हैं एंड यहाँ से डन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पिक में काफ़ी कमाल का टोन अर्बन सा आ चुका है और यहाँ से कर्व टोन में आते हैं और ब्लू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसके कर्व को हल्का सा यहाँ से माइनस कर लेते हैं और यहाँ से भी माइनस कर लेते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों हमारे पिक में काफ़ी अर्बन टोन आ चुका है। और यहाँ से इसमें आते हैं एंड यहाँ से क्रिएटिविटी इंक्रीज करते हैं और वेनिटी को माइनस। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमारे ईद कॉन्सेप्ट का फ़ोटो एडिटिंग हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने किसी भी पिक को एडिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी तरह फोटो एडिटिंग से। तब तक के लिए टेक केयर।